गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स के लिए डे फोर की वीडियो लेकर आए हैं। इसमें एक्सरसाइज 1.3 हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 730 प्लस 998, यहाँ पर हमको क्या करना है? एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। इसको एस्टिमेट निकालना है, यानी इनको राउंडेड ऑफ करके हमको इनका एस्टिमेट बताना है। तो दोनों वैल्यूज में हम यहाँ पर नियरेस्ट टू 100 करते हैं। देखो, नियरेस्ट टू 100 करेंगे तो हमारे पास 730 को नियरेस्ट टू 100 करेंगे तो क्या आएगा? ये 10 प्लेस वाली वैल्यू देखेंगे जो क्या है हमारे पास 3। तो 100 प्लेस वाली वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। प्लस 998 है, इसको चेंज करेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे ये क्या है हमारे पास 10 प्लेस पे 9। तो इसको आगे वाले नंबर को हम बढ़ा देंगे तो 9 का कितना हो जाएगा, ये 10 और दो जीरो लग जाएंगे पीछे, कितना हो जाएगा 1000। तो इनका हमारे पास क्या आया, 1700 आ गया है। अब इसी में क्वेश्चन नंबर सी वाला में करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 12904 प्लस 2888 इज इक्वल टू, इसको हम सोल्व करेंगे तो देखना यहाँ पे 12904 और ये 2888। तो इसमें हमारे पास हम करेंगे राउंडेड 1000। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो आप 1200 तो कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पर देखेंगे 1000 चल रहे हैं तो क्या है हमारे पास यहाँ पे 9। तो यहाँ पर आगे वाला नंबर बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये 30 प्लस ये हमारे पास 2800। तो 100 वाली प्लेस पे क्या है वैल्यू 8, तो ये भी 8 है यानी 4 से ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 3000। इनको जोड़ेंगे कितना हो गया, ये 16000 हमारा आंसर आ गया। इस तरह से इनको हम करेंगे। इसमें एक और क्वेश्चन में करवा रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर बी, 28292 माइनस 21496। तो देखो यहां पर हमारे पास इसको भी हम राउंडेड 1000 करेंगे तो ये क्या है हमारे पास 28292, तो ये हमारे पास क्या है 2, जो क्या है 2 है। तो यहाँ पर 100 प्लेस वैल्यू क्या है 2 है, तो क्या करेंगे आगे वाली जो डिजिट है 1000 प्लेस वाली उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। माइनस, और यहाँ पे भी 100 प्लेस पे 4 है तो यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब इसमें से इसको माइनस कराया, 28000 में से 21000 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 7000। इसमें कुछ क्वेश्चन हमको अपनी तरफ से एग्जांपल और करने हैं तो मैं आपको भी सभी सारे क्वेश्चन एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और क्वेश्चन नंबर 1 2 के लिए आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन में रिविजन एक्सरसाइज में दूंगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, Give a rough estimate by rounding off to nearest 100 and also closer estimate by rounding to nearest 10। हमारे पास जो नंबर जो क्वेश्चन है उनको दोनों तरह से करना है, पर nearest to 100 और nearest to 1000। ठीक है, तो जैसे हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं, ए वाला, हमको क्या दे रखा है 439 प्लस 334 प्लस 4317। इसको हम करेंगे पहले नियरेस्ट टू 200 से सोल्व करेंगे इसको पहले हम। तो देखो नियरेस्ट टू 100 से सोल्व करने के लिए हमारे इसको नियरेस्ट टू 100 बनाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, यहां पर 10 प्लेस पे देखेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास 3, तो इस नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ये होगा 400।
334 में भी 10 प्लस वाली भी देखेंगे क्या रही है 3, तो इसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं होगा और ये 3 और 2 0 लग जाएगी। प्लस यहां पर ये बीच में भी करेंगे नियरेस्ट टू 100, तो क्या हो जाएगा 4 और 3, और यहां पर भी हमारे पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो 100 प्लस वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा और उसके पीछे 2 0 लग जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास नियरेस्ट टू 100, हमने राउंडेड ऑफ किया है, तो क्या हो रहा है यहां पर इनको ऐड करेंगे अपन, ये हो गया हमारे पास 5000। अब इसी क्वेश्चन को आपको करना है नियरेस्ट टू 10, नियरेस्ट टू 10 करेंगे तो हमारे पास ये नंबर है 439, तो ये वाला नंबर देखेंगे हम यहाँ पर 9, कौन सा वंस प्लेस पे, ये क्या है हमारे पास 9 है, तो इस नंबर में एक इंक्रीज कर देंगे, तो कितना जाएगा 440 प्लस यहाँ पर 4 है, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, क्या हो जाएगा 330 प्लस यहाँ पर हम यहाँ पर 7 है वंस प्लेस पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा 4320। अब इनको ऐड करेंगे तो देखो कितना आ रहा है हमारे पास 0905, तो कितना हो गया हमारे पास ये 5090। तो ये हम जितना इसको सोल्व करते हैं यानी हमने नियरेस्ट टू 10 किया तो अप्रोक्स वैल्यू और क्लोज आएगी किसके रिजल्ट के, यानी ये मोर एप्रोप्रिएट आंसर है इसका, इसकी तुलना में कौन सा 10 प्लस वाला। क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं डी वाला करा रहा हूँ आपको, डी वाला क्वेश्चन है 489348 माइनस 48365। अब इसको दोनों तरह से करेंगे हम, नियरेस्ट टू 100 और नियरेस्ट टू 1000, तो हम पहले करेंगे नियरेस्ट टू 100, इस नंबर को नियरेस्ट टू 100 करेंगे हम 489348, तो किसको हम 4 को देखेंगे यानी 100 प्लेस पे जो 10 प्लेस पे जो वैल्यू उसको देखेंगे और चेंजेस किस में होंगे 100 प्लेस वाली वैल्यू पर, तो देखो यहाँ 4 है तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, क्या हो जाएगा 489300 माइनस यहाँ पर 48000, अब यहाँ पर 6 है तो ये क्या हो जाएगा 1 इंक्रीज हो जाएगा, कितना हो गया 400। अब इसको हम माइनस करते हैं क्या आएगा 009 0 4 और 4, ये हमारे आ गया नियरेस्ट टू 100। अब हम करेंगे नियरेस्ट टू 10, तो नियरेस्ट टू 10 में करेंगे तो ध्यान से समझना, यहां पर हम अब देखेंगे वन प्लेस वाली वैल्यू और चेंजेस होंगे इसमें, तो देखो कितना जाएगा 489350 माइनस 48300, इसमें चेंजेस होंगे ये कितना आ जाएगा 70, तो कितना आ जाएगा ये 0, 15 में से 7 गया तो 8, 12 में से 3 गया तो 9, 0, 4 और 4, ये हमारा आंसर आ गया है, नियरेस्ट टू 100 है ये और ये नियरेस्ट टू 10 है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड में बचे हुए आपको करने हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग जनरल रूल, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट using general
क्वेश्चन नंबर ए क्या दे रखा है हमको, 578 माइनस मल्टीप्लाइड बाय 161, इसको सॉल्व करना है। तो क्या है हमारे पास, हम इसको सॉल्व करेंगे 568। तो देखो दोनों नंबर 100 से, तो अपन को राउंडेड 100 करते हैं। राउंडेड ऑफ 200 या नियरेस्ट टू 100। तो देखो कितना हो गया, 578 हो गया। तो इसका क्या होगा हमारे पास, इसको देखेंगे अपन, 7 है तो ये क्या हो जाएगा, 600 मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी ये 6 है तो ये क्या हो जाएगा, 200। तो इसका क्या हुआ, 600 और 200 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1, 2, 3, 4, तो 0 और 12, यानी कितना हो गया ये, 1,20,000 हमारा इसका आंसर आ गया। अब इसी में एक और क्वेश्चन में करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी है हमारे पास 1291 मल्टीप्लाइड बाय 592। तो यहां पर भी हम नियरेस्ट टू 100 करेंगे। Nearest 200 करेंगे तो देखो 1291 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, 9, तो ये नंबर बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 1300 मल्टीप्लाइड बाई, ये भी यहाँ 9 है तो ये क्या हो जाएगा, 6600। तो कितना हो गया हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1, 2, 3, 4 और यहाँ 78, तो कितना हो गया हमारे पास, 7,80,000। तो ये दो क्वेश्चन हो गए। अभी आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ आगे। अब यहाँ पर मैं आपको रिवीजन एक्सरसाइज दे रहा हूँ। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको करने हैं जैसे अभी हमने यहाँ पर किए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एस्टिमेट द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल, इसमें ए बी H योगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव ए रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ
टू नियरेस्ट 100 एंड 10, जिसमें क्वेश्चन नंबर ए 672 प्लस 81841 प्लस 5203, क्वेश्चन नंबर बी 9351 माइनस 592, सी 854272 माइनस 54589, क्वेश्चन नंबर डी 578342 माइनस 58421। ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ये जनरल रूल से करने हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है ये जनरल रूल से करने हैं। और सेकंड क्वेश्चन है, गिव ए रफ एस्टीमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 एंड 10, दोनों से ही करने हैं। जैसे अभी अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड में किया था एक्सरसाइज 1.3 में, उसी तरह से ये 100 से भी करने हैं, नियरेस्ट टू 100 करने हैं और नियरेस्ट टू 10 भी करने हैं, नियरेस्ट टू 100। हंड्रेड और टेंस में, दोनों में ही आपको ये करने हैं। इसमें चार क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है, यानी 12 क्वेश्चन है, ये रिवीजन एक्सरसाइज है, ये आपको करनी है। अब हमारा ये डे 4 का काम कंप्लीट हो गया है, ये एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज और रिवीजन एक्सरसाइज दोनों आपको कंप्लीट करनी है होमवर्क कॉपी में, और एक ही कॉपी में करनी है, ओनली होमवर्क कॉपी में पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज आपको करनी है 1.3 और ये रिवीजन एक्सरसाइज। इसका एक स्क्रीनशॉट भी आपको मैं दूंगा, तो आप इसको ध्यान से करना।